हेलो फ्रेंड्स, मैं पायलट सुमित आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और हेलो अरूप, अरूप चटर्जी स्पेशली, कैसे हो? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि रेलवे के आरआरबी एएलपी पद पे क्या क्या शर्तें हैं, क्या चयन है आपको। अगर एएलपी के पद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है, कैसी चयन प्रक्रिया होती है, कैसे एग्जाम होते हैं, क्या रिटेन है, क्या साइकोलॉजी और क्या मेडिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे ज्वाइनिंग होती है, फिर ज्वाइनिंग किस किस पे होती है, इलेक्ट्रिकल लोको, डीजल लोको और फिर सिग्नलिंग की होती है, फिर लाइन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में आपकी लाइन ट्रेनिंग होने के बाद में फिर आपको ज्वाइन किया जाता है, फिर लाइन पे आप गाड़ी मूवमेंट करते हैं। तो उस सब के बारे में आपको अगर कही है तो बात कर लूँगा, है ना। और वरना आपको वन बाई वन इस वीडियो में आप सॉरी कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, सीधे बन रही है, सीधे अपलोड होगी। तो ठीक है, तो चलिए आपसे बात कर लेते हैं कि है ना, एएलपी के पद के लिए सबसे पहली चीज़ है एजुकेशनल क्राइटेरिया कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता में एएलपी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर बात की जाए तो हाई स्कूल प्लस आईटीआई होती है। तो हाई स्कूल आईटीआई मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है, बीटेक कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, टू मच गुड है। और ग्रेजुएट हैं तो आपको इन सब चीज़ों के फ़ायदे आपको आफ्टर ज्वाइनिंग के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, इन सब चीज़ों में मिल सकते हैं। या अदर किसी डिपार्टमेंट में आप रेलवे के या अदर किसी जगह पे ज्वाइन करते हैं तो आप एनओसी लेकर भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा उस बारे में कैसे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम किए जाते हैं। तो बात करते हैं ना कि क्राइटेरिया एजुकेशन का, तो हाई स्कूल प्लस आईटीआई। हाई स्कूल तो जैसे कि कोई कंडीशन दे वो नहीं आपकी, जैसे भी हो आपको आईटीआई किया है, कुछ ट्रेडिस की, कुछ ट्रेडिस है ना एएलपी में रेलवे नहीं लेती है तो वो ट्रेडिस के बारे में कुछ आती हैं कुछ नहीं आती हैं। तो उस कारण अगर आपको क्लियरली जानना है तो मैं भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि क्लियरली आपको बताऊं मैं भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ जो ट्रेडिस होती हैं रेलवे नहीं लेती है उसके बारे में सही जानकारी आपको उसके जो रोजगार सूचना संख्या रोजगार आती है इन्फॉर्मेशन, तो रोजगार न्यूज़पेपर में आप पढ़ सकते हैं, उसकी आरआरबी की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं कि रेलवे के उसमें क्या क्या ट्रेडिस वो अलाउ कर रहा है। तो थोड़ा सा है ना ये सब चीज़ों पर आपको देखना तो पड़ेगा ही। तो फिर चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ, जो मेरा ऑफिस है। ये ईएमयू है, तो ईएमयू ट्रेन जो होती है अपने लोकल ट्रेन जिसको भी बोल देते हैं, तो मैं अभी उसी में ही हूँ। ठीक, तो उसी में थोड़ा बैठ के आराम से वीडियो बना ही रहा हूँ। तो जैसे शैक्षिक योग्यता की बात हो रही थी तो उसमें ट्रेडिस के बारे में बता रहा था, कुछ ट्रेडिस मैं आपको बता देता हूँ जिनके बारे में मैं श्योर हूँ कि वो रहती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल आती है, फिटर आती है, मशीनिस्ट आती है, टर्नर आ जाती है, वायरमैन आ जाती हैं, है ना, और कुछ ट्रेडिस होती हैं। तो ये ट्रेडिस तो मोस्टली हमेशा मैंने देखी हैं कि रही हैं, और बाकी कुछ ट्रेडिस होती हैं जिसमें आती हैं लेकिन है ना मैं कन्फर्मली रेफ्रिजरेटर, एसी मैकेनिक और टीवी वायर मैकेनिक ये सब आती हैं जो उनके बारे में मैं आपको कन्फर्मली न्यूज़पेपर में देखिए, कभी कभी चेंजेस होती रहती हैं, देखिए क्या होता क्या नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है, ये हर जगह का रूल रहा है, ठीक ना। तो रही इसके बाद में अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखे थे उसमें भी सेम यही, इलेक्ट्रिकल के जो है इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें डिप्लोमा ले रहे हैं तो उन सब के लिए भी यही होती है, और सेम ऐसी बीटेक में होती है। तो उसके आगे जैसे अगर आप बात करें तो अपने एजुकेशन फॉर्म भरते हैं जब उसका रिक्वायरमेंट का, तो उसमें एक कॉलम होता है मेडिकल का कि आपके जो मेडिकली, एक कॉलम होता है मेडिकली फिटनेस का, तो उसके ऊपर भी हमेशा जोर दीजिए। और जो भी है ना जो मेडिकली फिट नहीं है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप है ना उसमें डन मतलब 100% फिट लिख के ना ही सेंड करें, क्योंकि रेलवे जब मेडिकल टेस्ट कराती है तो उसमें जो भी इस तरह के फॉल्टी इन्फॉर्मेशन भरते हैं, फेक इन्फॉर्मेशन दे के अपने आपको फिट बताते हैं कि मेरे परफेक्ट फिट हूँ, 6x6 आइज है, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बाद में आपको फिर निकाल दिया जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अगर आपके परफेक्टली फिट हैं तो तब देन आप फॉर्म भरिए। तो उसमें सबसे मस्ट होता है आपका एजुकेशन, देन आपकी जो फिटनेस का फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो वो, तो ये सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। तो उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे भी आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं एएलपी का तो आप जिस स्टेशन पे आपका घर है मतलब जो आपका होम स्टेशन है, तो आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल पता हो कि आपका जो होम स्टेशन है किस जोन की किस डिवीज़न में आता है। जो रेलवे की 17 जोन्स हैं तो उसमें जितनी भी डिवीजन्स हैं उसका, तो उसमें आपका जो होम स्टेशन है उस किस जोन की किस डिवीज़न में आ रहा है, तो उसका बेनिफिट ये रहेगा आपको जब आप उसका फॉर्म फिल कर रहे हैं चॉइस में अगर वो दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है
तो आपको अपने होम स्टेशन पे आपको जॉब करने का मौका मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। और बाकी में होम स्टेशन में जॉब करने का एक अलग ही इन्जॉय होता है। तो जॉब की जॉब होती है, अपने फ्रेंड्स फ्रेंड्स वगैरह के साथ में मुलाकात हो जाती है, कोई भी दूर नहीं जाता, सब लोगों से जुड़े रहते हैं। और जब आप अपने होम स्टेशन से दूर आप दूर जॉब करते हो तो जॉब रहती है, हालांकि अच्छा है जॉब होती है, लेकिन नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नया सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा चेंज होता है, कुछ को अच्छा लगता है कुछ को नहीं लगता है। तो बेसिकली ये चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका होम स्टेशन किस जोन के किस रेलवे के डिवीज़न में आ रहा है, तो आप उसको चॉइस में दीजिए। अगर कई बार होता है कि आपका WCR, NCR, ECR, S और SR इस तरह से जो आपको कई बार WR कई आपको सुनने को मिल जाएंगे, तो इसमें आपकी डिवीज़न कौन सी आ रही है, जो डिवीज़न हो आपको उसमें चॉइस दीजिए। तो इसके आगे जैसे आप बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का प्रोसेस इसमें दो होते हैं, दो नहीं आप तीन ही कह सकते हैं, कोई तीनों आपको क्वालिफाइड करने हैं एग्ज़ाम। तो तीन एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। आपका पहला तो होता है रिटर्न एग्ज़ाम, जिसमें आपका रिटर्न एग्ज़ाम जिसमें आपकी होती है जनरल अवेयरनेस आती है, मैथ आती है, करेंट अफेयर्स आ जाता है, हिस्ट्री आ जाती है ना, और ये सब चीज़ों का आपको रीजनिंग आती है, सब आप जानते हैं जो भी जनरली किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दूँ इंग्लिश नहीं आती है ना, इंग्लिश का कोई अभी ALP के उसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। इसके अलावा आप एग्ज़ाम में जब देते हैं तो आपको चॉइस भी मिलती है आप किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश और कुछ लोकल लैंग्वेज भी दे देती है ना। तो उसके अलावा आपको मैंने जैसे बता दिया आपके ये एजुकेशनली में आपका सिलेबस हो गया। जब आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में एक और नेक्स्ट टेस्ट होता है जो आपने नहीं पढ़ा होगा, मोस्टली लोगों ने नहीं पढ़ा, उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। उसके लिए कुछ कोचिंग्स करा रखी हैं आपको, कई कोचिंग है, अगर आप पूछना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, मैं आपको वो कोचिंग्स के कुछ कोचिंग्स के नाम बता दूंगा कि साइकोलॉजी की अच्छी कोचिंग्स कहाँ पे हैं, कौन सी हैं, है ना, या मैंने कहाँ से की थी, तो इस बारे में मैं आपको बता दूंगा अगर आप पूछना चाहते हैं। तो साइकोलॉजी की कोचिंग कर लें तो अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि जॉब अगर होता है ना फर्स्ट राउंड में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपने पहले रिटन क्वालिफाई किया फिर आप साइकोलॉजी में फेल हो गए, तो फिर कई बार होता है आदमी टूट जाता है अंदर से, कोई भी पर्सन होता है। तो यही है कि ना थोड़ा सा अगर मौका मिलता है तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर ना करें। कोचिंग्स वगैरह अगर आपके आसपास हैं अच्छी तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है किसी सिलेबस पे। तो दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, जो दूसरा टेस्ट है साइकोलॉजी टेस्ट। तो साइकोलॉजी टेस्ट में क्या होता है, आपकी मेमोरी टेस्ट की जाती है, आपकी ब्रेन पावर चेक की जाती है, आप डिसीजन कितनी क्विकली ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि आपको दिखा के हटा दिए जाते हैं आपके सामने से, फिर आपसे पूछा जाता है कि आपने वो जो देखा था उसमें क्या क्या देखा था, आप उसकी लोकेशन मुझे बता दीजिए, कि आपको जो मैंने एक मैप दिखा दिया उस मैप में मैंने आपको एक टेंपल दिखा दिया, एक हॉर्स दिखा दिया, एक वॉच दिखा दी, उनको मैंने एक प्लेस कर दिया और वहाँ पे एक फिर मैंने नेक्स्ट फिगर में मैंने उन जगह पे नंबर रख दिए, उस नंबर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि उस नंबर पे हॉर्स आना है या टेंपल आना है जो भी आनी है। एक तरह से 20-30 की कुछ मेमोरी टेस्ट आ जाते हैं। एक टेबल आती है, टेबल के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं कि आपके टेबल के ऊपर थोड़ा सा है ना दिमाग चेक करना कि आपके ब्रेन कितने फास्टली चेक करना है। कुछ ब्रिक टेस्ट आते हैं, कुछ फाइंड 6 और फाइंड 9 होता है, कुछ डिजिट दी जाती हैं, लॉन्ग डिजिट होती है जिसमें 10 डिजिट की आती है, उसको आपको है ना फाइंड 6 उसमें जैसे ABCD में चारों में वो दे रखा उसमें आपको दे देगा कि फाइंड 6 इसमें से ए में है या नहीं है, या फाइंड 9 जैसे आजकल चल रहा है कि उसमें ए में 9 है, बी में 9 है, सी में 9 है, डी में 9 है, आपको उसको क्विकली सर्च करके 100 के नियरेस्ट आती हैं और टाइम बहुत कम होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइकोलॉजी टेस्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट आपका परफेक्ट होना चाहिए, आपको विदिन जो टाइमिंग दे रखी है आप उसमें कर लें, क्योंकि इसमें ये नहीं है आपको पूरा पेपर दे दिया और आपको टाइम दे दिया, इस तरीके से नहीं है। आपको हर एक सिलेबस का हर एक जो खंड कह सकते हैं सेक्शन कह सकते हैं उसके एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड के अंदर में आपको वो पूरा कंप्लीट करना है। तो सभी में पास होना भी है आपको बता दो जरूरी है। तो फाइंड 6 हो गए, ये सिमिलरिटी टेस्ट आ जाते हैं, सिमिलरली आपको दिखा दिया जाता है कि ए साइड में आपको सिमिलर सेम सिमिलर दूसरी साइड में दिखा देगा, कुछ भी है आपको मैच कराने को बोल देता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी है, चेंज होता रहता है पैटर्न, तो इसके बारे में आप अपडेट रहिए तो यही बेहतर है। जैसे कि फिर आपने रिटन पास किया देन आपको साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, आपने साइकोलॉजी टेस्ट भी आपने बहुत अच्छा दिया तो उसकी फिर बनती है कट ऑफ, मेरिट लिस्ट बनती है। जो मेरिट लिस्ट का मैं अपना पर्सनली आइडिया बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यही है, एक मैं अपना ही आइडिया बताता हूँ कि जो आपकी रिटन एग्जाम है उसकी 60% और जो आपका एप्टीट्यूड या साइकोलॉजी टेस्ट है उसका 40%, इसको ज्वाइंट करके ही आपकी है ना मेरिट बनाई जाती है। उस मेरिट के बेस पे ही आपकी RRB रैंक देती है कि आपने RRB रैंक कितनी पाई है, जो RRB की रैंक बनती है वो पूरी आपको फिर मिल जाएगी, आपको किस बेस पे कितनी रैंक आई है। ये हालांकि चेंज होता रहता है, ये मैं आपको अपने एक आइडिया पे बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपके किसी उसमें बता रहा हूँ। तो कभी कोई अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ न्यूली ज्वाइंड हुए
जिनसे मैंने पूछा था एजुकेशन के जो मतलब सॉरी कोचिंग वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे को 70-30 का बता रहे थे, लेकिन मेरे को नहीं लगता 30% साइकोलॉजी टेस्ट के लिए होगा, है ना। तो उसके आगे आप जैसे बात करते हैं, आपने रिटेन पास किया, साइकोलॉजी फर्स्ट किया, देन आपको फिर आपको एक नया कॉल लेटर आएगा जो है बहुत ही बेहतरीन कॉल लेटर आपका मेडिकल के लिए। उसके बाद लगने लगता है कि हाँ बाकी में अब जॉब हाथ में है, है ना। तो मेडिकल टेस्ट में आपको ये बता दो, A1 मेडिकल होता है। A1 मेडिकल आप कह सकते हैं कि आपके अंदर में पूरे फिट हो, कहीं से भी आपके शरीर में कोई भी किसी तरह की पुरानी बीमारी ना हो, कोई अपंगता या फिजिकली हैंडीकैप किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। आपकी आइज की बात की जाए तो परफेक्टली 6x6 होनी चाहिए। आपको मेनली मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सेम एयरलाइंस के पायलट का जिस तरह से A1 मेडिकल होता है, सिमिलरली आपके लोको पायलट के लिए, सहायक लोको पायलट के लिए A1 मेडिकल होता है। और ये A1 मेडिकल आपके एक बार होने के बाद में A1 मेडिकल ही चलता है। इसमें माफ मतलब आपको मैं बता दूँ, जैसे आपके है ना ज्वाइन करने के बाद में भी मेडिकल होते रहता है आफ्टर 3 ईयर्स पे, तो बात की बात है, ये ज्वाइनिंग के समय की मेडिकल की बात करता हूँ, तो उसमें आपका 6x6 हो, कोई भी TV या आपको अस्थमा ये सब की प्रॉब्लम ना रही हो, क्योंकि जो चेकअप होता है उसमें आपकी सारी चीज़ें चेक की जाती है, ECG वगैरह होता है ना, हार्ट चेक किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, फाइंड्स और सॉरी आपकी जो है वो मतलब 6x6 में आपको बता दूँ कि ना कई लोगों ने जैसे ऑपरेशन करा लेते हैं आँखों में, कुछ लेजर ऑपरेशन करा लेते हैं जिस तरीके का जैसे होता है, तो आप अगर ये सोच रहे हैं तो आपको ये बता दूँ, आपको मेडिकल अगर टेस्ट होगा तो आप ये सोचो आप उससे बच जाओगे तो नहीं बच पाओगे, आपको डिटेक्ट कर लेंगे, आपको वहाँ से आपको फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो अगर आप में किसी तरीके से फिजिकली आप चैलेंज नहीं कर पा रहे, आपको है ना फिजिकली 100% फिट नहीं है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें और किसी दूसरे अच्छे पद के लिए आप अपनी तैयारी रखें, है ना, जो भी रेलवे में आते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें हो गई, आपके मेडिकल टेस्ट क्वालिफाइड आपको करना है, आपको सारे मैं आपको बता दूँ, जो मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ था, मेरा मेडिकल टेस्ट 3 डेज चला था, है ना, तो किसी भी एक दिन में मेडिकल टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, इतना लंबा टेस्ट चला था, मतलब रिटीन का एक दिन में हो गया, साइकोलॉजी एक दिन में हो गया, लेकिन जो मेडिकल टेस्ट था वो मेरा 3 डेज में जाके कंप्लीट हुआ था। कभी मेरी आइज का चलता था, कभी है ना हार्ट का चलता था, कभी चेस्ट का चलता है, कभी है ना और भी जैसे पार्ट्स हैं आपके उनका चलता था, है ना। तो यही सब है, ECG वगैरह आपका ये उस समय थोड़ी सी भीड़ भी होती है, तो इसलिए थोड़ा। और आपको मैं बता दूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप वीक हैं, अंदर से कमज़ोर से दिख रहे हैं, तो ये सोच रहे हो आप कि कहीं मैं है ना ये कोई, जब मेरा आपकी मेडिकल टेस्ट का एग्जाम चल रहा था, मैंने अपनी आँखों के सामने जिसको मैं देख के कह सकता हूँ जैसे इतने तगड़े थे, मतलब कह सकता हूँ कि मतलब जैसे खाली जैसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे पर्सन थे जिनको डॉक्टर ने फेल किया था किसी ना किसी रीजन पे, किसी को चेस्ट पे, किसी को फाइन, ज़्यादातर जो लड़के फेल हुए थे वो होते हैं आई टेस्ट में, कि आई टेस्ट में जो होते हैं बिल्कुल भी वो 6x6 में, उस समय लगता है जैसे आज के टाइम में हम लोग इतने डिजिटल में जी रहे हैं, तो मोबाइल पर इतने देखते देखते आँखों पर असर पड़ रहा है ये सब चीज़ों की वजह से। तो उसको देखते हुए आप यही है कि अपनी आइज़ वगैरह का ख्याल रखें, जब आपकी चैन प्रक्रिया शुरू हो जाए तो एक बार पहले डॉक्टर साहब कंसल्ट कर लें कि आपकी जो है कोई भी फिजिकली आप किसी में वो तो नहीं है, फेल तो नहीं है, तो जिससे ये रहता है आपको पता चल जाता है तो कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, जो रेलवे के उसमें टेस्ट में पास हो सकते हैं कि फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे आप मेडिकल टेस्ट पास कर लिया तो उसके बाद में आती है आप चयन प्रक्रिया जो रेलवे आपकी शुरू करेगी, और मुबारक हो इस तीनों क्वालिफाइड करने के बाद में आपको फिर आपके हेडक्वार्टर डिप्यूट किया जाता है, जो आपका पहले डिवीज़न आपकी जो है इतनी जल्दी नहीं करा देते हेडक्वार्टर, सॉरी डिवीज़न आपको जो मिलती है वो टेस्ट वेस्ट करा के फिर ट्रेनिंग के लिए भेजती है। तो अगर आप ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ट्रेनिंग के बारे में, अगर आप मेरे से ना ALPs की जो ट्रेनिंग करते समय क्या सैलरी होती है, क्या हॉस्टल में फ़ीस देनी पड़ती है, रहने की नहीं देनी पड़ती है, हॉस्टल में अगर जो खाना मिलता है उसका कितना देना पड़ता है, और कितनी सैलरी है, क्या बेदिन ज्वाइन करने के उसी मंथ से शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती, अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन आप जो चीज़ आपके ALP की ज्वाइनिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं आप मुझे बता दीजिए, आपको मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, मैं आपको उसके रिप्लाई अगर हो सके या रिप्लाई दे दूंगा, वरना अगर पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो बना के आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी किसी तरीके का डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और रही है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ ये EMU है, एक बार आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ये EMU जो है आपका ये डेडमैन हैंडलर होता है, मास्टर कंट्रोलर होता है, ये गेजेस वगैरह जैसे आप जानते हैं होते हैं, इसकी की सेट होता है, जैसे आपने कार की बाइक की अपने अपने बाइक वगैरह की चाबियाँ देखी होंगी, ये इसी तरह से होती है। ये आपकी इंडिकेशन लैंप होती हैं जो आप ये देख रहे हैं, और आप इसे जानते ही हैं सभी लोग कि क्या होता है, जो ड्राइवर के पास रहते हैं वॉकी टॉकी होता है,
और ये जिस आपको देखो ये आपके स्विच पैनल के होते हैं, आप ये देखिए। अब बाकी कैप के पीछे सभी कुछ पैनल होता है इलेक्ट्रिकली उसका। तो ये तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे ये वीडियो, और कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं अगर आप जानना चाहते हैं क्या सिलेबस है, क्या शॉर्टकट ट्रिक अपनाई जाए, या सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, किसी भी तरीके की स्टडी मटेरियल क्या है क्या नहीं है, तो मैं आपको एक बार एक शॉर्टकट में बता दूँ। आपको लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन सेट है ELP के, आप ज़रूर उसको देखें और आप उसको क्रॉस चेक करके खुद ही सेल्फ अपने आप प्रैक्टिस करें और देखेंगे आपकी टाइमिंग क्या है। मैं आपको पर्सनली यही कहूँगा किसी भी का भी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट जो आते हैं, प्रैक्टिस सेट, आप उसको जरूर आप उसको सॉल्व किया करें। तो थैंक यू और बाय अरूप, बाय टू ऑल्स एंड थैंक्स फॉर बीइंग सब्सक्राइबर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं लगी है तो यार डिसलाइक कीजिए, ताकि पता चलता है कि कहाँ कमी रही है ना, जिससे कि आने वाले समय में जो वीडियो अपलोड की जाए तो ये पता रहे कि आपकी क्या है, जो आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।